क्या लगता है कि ये रसूल का खानदान तुम्हारी बयत करेगा, ये रसूल का खानदान तेरी बयत करेगा? इमाम हुसैन ने ऐसा जुमला कहा कि कयामत तक के लिए सारी यजीदियत खामोश हो गई, उनके मुंह पे तमाचा लग गया। इमाम कहने लगा, सुन, मुझ जैसा कुछ जैसे की बयत नहीं कर सकता। इमाम ने ये नहीं कहा कि मैं हुसैन तेरी बयत नहीं करता, इमाम ने कहा मुझ जैसा कुछ जैसे की बयत नहीं कर सकता। इसलिए इमाम ने कहा कि आने वाले वक्त का जो भी यजीद होगा और आने वाले वक्त का जो भी हुसैनी होगा, वो तुझ जैसे यजीद की बयत नहीं कर सकता। बस मैं आपकी सहमतों को तमाम कर रहा हूँ, मैंने इसलिए यहाँ पर इस काबिले को रोका, रोक जाओ ना, पैर जो ही ना, ताकि दुनिया को इस बात का पता चले कि आज हम इस हुसैन का नाम लेते हुए यहाँ क्यों जमा हुए। तुम जो ये कहते हो ना कि आजादारी रुकेगी और तुम हमें डराने की कोशिश करते हो, तुम्हारी इस ताकत की वजह से हुसैन की जिसके दिल में मोहब्बत है उनका हौसला बुलंद होता है, उनका हौसला बुलंद होता। तुम कहते हो ना कि रोको, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम इस पाकिस्तान का बड़ा एहतराम करते हैं। याद रखो, इस पाकिस्तान को एक शिया ने बनाया था और एक सुन्नी ने सोचा था, शिया और सुन्नी मिलकर इस मकसद हुसैन को बुलंद करते हैं। तुम नहीं रोक सकते, इस आजादारी को नहीं रोक सकते। जानते हो इस कायनात में, बस मैं सहमतों को तमाम कर रहा हूँ, इस कायनात में सबसे ज्यादा सच्ची मोहब्बत ज़हरा के लाल ने की। ऐसी मोहब्बत कोई नहीं कर सकता जैसी मोहब्बत खुदा से हुसैन ने की। करबला के मैदान में हर तरफ से तीर आ रहे थे, मौत का साया था, अगर हम में से कोई होता ना तो उठ के भाग जाता कि तीर आ रहे हैं, हम मर सकते हैं। लेकिन वो सिर्फ सहरा के लाल की असमत है कि खुदा से इतना इश्क था कि उस तीरों के साए में भी वो सहरा का लाल खुदा को सजदा कर रहा था, उस सजदे में था, उस सजदे में, तीरों के साए में। इमाम ने कहा मेरे पास दो रास्ते हैं, एक तो ये है, या तो मैं यजीद को तस्लीम करूं, मैं भी सलामत रहूंगा, मेरे बच्चे भी सलामत रहेंगे, हजरत अब्बास सलामत रहेंगे, लेकिन एक रास्ता है कि मैं यजीद को रद्द करूँ, मैं यजीद पे लानत करूं, मैं यजीद की बयत ना करूं। क्या होगा? मेरी गर्दन पे खंजर चलेगा, मेरी गर्दन पे खंजर चलेगा, मेरी बहन ज़ैनब को दरबार में लाया जाएगा। इमाम ने यजीद को ललकार के कहा, ऐ हाद मिन्नत जिल्ला, ऐ यजीद कयामत तक याद रख, हम हुसैन और आले रसूल का वो घराना है कि जिनसे तो कयामत तक जिल्लत दूर है। हाथों को बुलंद करके पूरी दुनिया को बताओ कि सहरा का लाल इनसे जिल्लत दूर है, और जिनके दिल में हुसैन की मोहब्बत है उनसे भी जिल्लत दूर है, वो यजीदियत को तस्लीम नहीं कर सकते। हाथों को बुलंद करके ऐ हाद मिन्नत जिल्ला, ऐ हाद मिन्नत जिल्ला, ऐ हाद मिन्नत जिल्ला, ऐ हाद मिन्नत जिल्ला। एक जुमला जिक्र मुसाइब का, ताकि हमारी आज के दिन कबूलियत का बन जाए। बीबी ज़ैनब को दरबार में लाया, यजीद ने कहा देखें अल्लाह ने आपके साथ क्या किया। तो बीबी ज़ैनब ने कहा, बदतमीज, अपनी ज़बान को संभाल के सोच, तुझे क्या लगा तूने हुसैन की आज़ादारी को ख़त्म किया? अगर तू इतना ही कातिल है, ये जो तेरे महल के अंदर हवा आ रही है इसे रोक के देखा। कहने लगा, बीबी ये कैसी बातें कर रही है, मैं नहीं कर सकता। तो बीबी ज़ैनब ने कहा, ये जो तेरे घोड़े हैं ना, इनके इनके पाँव की आवाज़ आ रही है, इनकी टापों को रोक के दिखा। कहने लगा, बीबी ये मेरी कुदरत में नहीं। कहा तो फिर हाकिम किस चीज़ का हो गया, ये तो हुसैन वो है कि जिन्हें अल्लाह ने अपनी जन्नत के जवानों का सरदार बनाया, क्या आले मोहम्मद वो है कि जिन्हें अल्लाह ने उसे जन्नत का सरदार भी बनाया है, और अल्लाह ने ये कह दिया कि जो इन तक पहुंचेगा वो सबसे पहले मुझ तक पहुंचेगा। बस करबला का दिन आया, कहते हैं कि सारी शहादतें हो रही, हजरत इमाम हुसैन कहीं अकबर का लाशा लेके आ रहे थे, कहीं अस्कर का लाशा लेके आ रहे थे, कहीं ओन मोहम्मद का लाशा लेके आ रहे थे। कहते हैं जब कोई नहीं रह गया ना, अब इमाम हुसैन सुलझना के करीब आए। कहा सुलझना ये आखिरी सवारी है, मुझे किसी तरह मक्तल में ले जाओ। कहते हैं इमाम हुसैन जब सवार हुए ना, वो सुलझना नहीं जा रहा था। इमाम हुसैन ने कहा, सुलझना मैं जानता हूँ तू थका हुआ है, लेकिन आज ये तेरी आखिरी सवारी है, इसे करबला के मैदान में ले जा, इसे करबला के मैदान में ले जा। जानते
वो सुलझना नहीं जा रहा था, वो सुलझना नहीं चला। कहते जब इमाम हुसैन ने जमीन पे देखा तो 4 साल की बच्ची आज सुलझना की टापों से लिपटी हुई थी। कहने लगी सुलझना आई मेरे पापा को ना लेके जाना, आई जो सुबह से गया है वो वापिस नहीं आया। मैं अपने मौला के बगैर नहीं रह सकती, मैं इमाम हुसैन के बगैर नहीं रह सकती। कहते मेरे पास वक्त नहीं है। इमाम हुसैन ने समझाया, कहते सुलझना पर सवार हुए इमाम हुसैन करबला में आए। चारों तरफ से इमाम हुसैन ने अजीम जंग लड़ी, अब आवाज आई ए नफ्से मुतमईना, ए हुसैन हमारी तरफ लौट आओ, ए हुसैन हम राजी हो गए। इमाम हुसैन ने तलवार को नया में रखा, आए कहीं से तीर आ रहे थे, कहीं से पत्थर आ रहे थे, कहीं से नेजे आ रहे थे। कहते जब इमाम हुसैन सीन से जमीन पर आए कहते शिमर इमाम हुसैन की सुल्फों में हाथ डाला। इमाम हुसैन भी खंजर, अच्छा जानते हैं जब एक कुर्बानी का जानवर ज़िबा होता है हम उसे आगे से ज़िबा करते हैं, और खुदा का हुक्म है कि जब जानवर को ज़िबा करो तो छुरी तेज होनी चाहिए, वो एक ही बार में ज़िबा हो जाए। आए इस शिमर ने क्या किया, इमाम हुसैन को पुश्त से ज़िबा करना शुरू किया। आए तवज्जो की जगह झटके दे दे के खंजर को मारा, कहने लगा मैं देखना चाहता हूँ आए सहरा का लाल, आए करबला की रेत में तड़पता कैसे है। आए दूर खड़ी ज़ैनब देख रही थी, सदा आए शिमर रुक जा, आए नबी का नवासा है, आए हुसैन है। तूने हुसैन की पुश्त में कदम नहीं रखा, तूने अर्शे खुदा पे कदम रख दिया। माथ में लबैक या हुसैन, लबैक या हुसैन, लबैक या हुसैन।